हाय प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जिसका नाम है सुपर स्टाइलिश नम्रता। सो मेरे पास स्टैंड नहीं है, नीचे के एंकल में वीडियो आ रही होगी। ऑर्डर करना है क्योंकि स्टैंड टूट जाते हैं। मतलब जब बनाती भी थी तो एक दो साल से टूटा हुआ था ऐसे ही जुगाड़ से, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग बनते थे तो ऐसे वाले ही थे, कम ही शॉपिंग हॉल बनते थे तो ज़्यादा चटर पटर नहीं करते। बहुत दिनों बाद मिले हैं। कुछ लोग पूछेंगे कहाँ थे, तो लाइव वीडियो देख लेना, उसमें मैंने लाइव अपडेट दिया था तो उसमें आप देख लेना, नहीं तो बार बार बोलो तो लोग बोर होते हैं, बोर नहीं करना किसी को। शॉपिंग हॉल स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है आइकिया शॉपिंग हॉल। बहुत दिन बाद जो मेरे को देख रहे हैं, तो नोटिफिकेशन बेल ऑफ करके फिर से ऑन कर लीजिए, वो जो घंटी होती है वो, ताकि आपको वीडियोस मिले। एक पहले भी डाली थी मैंने 2 महीने पहले आइकिया की शॉपिंग हॉल की वीडियो, कम ही लोगों को मेरे को लगता है नोटिफिकेशन गई है पहले के हिसाब से। आप देख लीजिए, चेक कर लिया कीजिए क्योंकि अब से वीडियो आया करेंगी। तो ये एक फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि मैंने लिया था किचन के लिए। अभी मैं खोलूंगी नहीं इसको, बहुत बड़ा है और भारी है। तो ये है एक स्टैंड, जैसे किचन के काउंटर टॉप पे रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रहती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है डेली के यूज़ की आपको सामने ही चाहिए। किस कैबिनेट्स किचन में बनवा लीजिए, कितने भी कुछ चीज़ें सामने हो, हैंडी हो, तभी किचन चल पाती है अच्छे से। जैसे कि तेल वेल रखने का, कुछ बाउल्स रख लिए, कुछ चॉपर्स रख लिए, थोड़ी बहुत का ये देखो स्पैचुला सॉस वगैरह सब है। तो मैं जिस दिन निकालूंगी ना इसको पूरा खोलूंगी, और ये थोड़ा मेरे को ऑफर में मिला है, जैसे 1300 इतने तक का होगा तो मुझे 950 तक या 975 तक मिल गया होगा। एग्जैक्ट प्राइस मैं नीचे डालूंगी, आपको अमेजोन पे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, बट अमेजोन पे आइकिया की चीज़ें डबल महंगी मिलती हैं, और आइकिया से अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो वैसे तो सस्ती मिलती है, बट थोड़ा सा डिलीवरी चार्जेस मिलते लगते हैं, तो अमेजोन पे पर एक ही चीज़ का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप आइकिया की साइट से मंगाएं। और ये मैंने लिया था क्योंकि एक सेक्शन होते हैं, जैसे आप भी चेक कीजिए हैदराबाद से हैं अगर आप या मुंबई से, तो जहाँ जहाँ भी आइकिया के स्टोर है कि नीचे का एक सेक्शन रहेगा, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट वो डिस्प्ले वाले निकाल देते हैं, कोई भी चीज़ें चाहे फर्नीचर हो, ऐसी चीज़ें तो नई भी निकाल देते हैं, पता नहीं क्या बात होती है, नई चीज़ों पे इतना इतना ऑफर लगा देते हो। आप चेक करते रहिए, कुछ में तो थोड़ा बहुत डिफेक्ट दिखेगा, कुछ बिल्कुल फ्रेश होंगे, तो ऐसी चीज़ें भी आप पहले नज़र जुड़ाएं। मेरे साथ ऐसे हुआ है, मैंने 2 चीज़ें ऐसे ले ली है, एक डिश रैक जैसे बर्तन धोने का रैक, वो भी मुझे बहुत ऑफर में मिला है, और ये काउंटर स्टैंड जो होता है ऑर्गेनाइजर, तो वही अपना चैनल फेमस ही उसी के लिए था कि आपको सस्ते सस्ते चीज़ें दिखानी है, आइडिया बताने कि सस्ते सामान कहाँ से मिल सकते हैं। और जैसे अब आइकिया में तो प्रिंट प्राइस पे मिलेगा, जब ऑफर लगना है तो लगेगा, बट उससे पहले भी आप ऑफर में ले सकते हैं। कैसे, क्योंकि उनका एक डिस्प्ले वाला एक एरिया होता है जहाँ डिस्प्ले का सामान वो निकालते जाते हैं डेली का, मतलब आइकिया के अंदर ही नीचे एक सेक्शन बना होगा। तो ये आप एक ये लिया था मैंने, ये क्या होता है, इसमें आप कुछ भी ओपन सा फ्रेम रहता है, कई लोग यहाँ पे भी एक लगा देते हैं एक प्लास्टिक टाइप का, यहाँ पे भी लग जाता है, क्योंकि आइकिया में तो आपको पता ही ना सब चीज़ें अलग अलग भी मिल जाती हैं अगर आपकी गायब हो जाए तो। कुछ कईयों ने कैसे ऐसे प्लांट्स का कुछ बना हुआ था वो लगाया हुआ था, तो वो डेकोरेशन के लिए बन जाएगा, नहीं तो आप फोटोज वगैरह तो अपनी ऐड कर ही सकते हैं। ये है इसका पीछे का फ्रेम, तो ये ओपन है, रफ आइडिया दे दूंगी कि उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज किया था, वॉल पे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है ये, मैंने आपको जैसे लाइव वीडियो में भी बताया कि एक ऊपर ये फ्रेम अलग है, बट अंदर का जो दिख रहा है ना पोस्टर, वो लिया था, वो ड्यूल था, वो आपको भी दिखा देती। ये देख रहे हैं आगे पीछे एक गत्ते पे 2 थे रिवर्सिबल बने हुए, तो दोनों यूज़ हो गए। और नेक्स्ट है ये छोटा का सेट था, 3 प्लांट्स के सेट, 3 प्लांट थे ये सकुलेंट टाइप के, तो अच्छे ही चल रहे हैं, इंडोर भी मैंने किसी बड़े में तो डाले नहीं, तो आइडिया दे देना क्या इसको मैं बड़े में डाल दूं, क्योंकि फैल तो रहा है काफ़ी। तो ये जो है ना, ये मेरे पास 4 का सेट भी था, तो ये इस बार मैं 2 का लेकर आई हूँ, क्योंकि क्या हुआ होगा इनका टूट गया होना 4 का, तो 2 अलग से लगा दिए, तो इनका अलग प्राइस दे दिया। आई थिंक
400 का या 200 का चार हैं, तो ये मेरे को सस्ते में मिल गए, ज्यादा सस्ते नहीं मिले बट मिल गए हैं। तो आप जो ही बता रही हूँ वो सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट था अभी ये वाली चीजें डेकोरेशन वाली, तो ये सोफा के लिए लिया था मैंने क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रेड थीम बनी हुई थी इस वक्त मेरी, मैं चेंज करती रहती हूँ आपको पता है। तो ये है एक, ये लंबाई में है, तो प्राइस जो है वो स्क्रीन पे आएंगे क्योंकि ऐसे मैं बोलती रहूंगी तो टाइम कंज्यूम होता है। देन ये मेरे को ऑफर में मिल गया वही डिस्प्ले वाले सेक्शन से, फ्रेश पीस जैसे डिस्प्ले में लगा होगा तो वो नीचे आ जाते हैं थोड़े टाइम बाद या क्या, क्योंकि बहुत सारे ये वाले, ये फ्रेश रेंज ही थी इनकी, अलग अलग कलर में रहते हैं आपने देखे होंगे। तो ये मेरे को ये भी ऑफर में मिल गया, कितने ऑफर में मिला है वो मैं आपको अभी बता दूँ। मैंने रखा हुआ था क्योंकि मेरा पता नहीं कब वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने काटा नहीं, तो ये काट सकते हैं आप ये प्लास्टिक इनके बड़े बड़े, जैसे 500 का रहा होगा तो मुझे 300 का मिल गया, सोचिए कितना ऑफर लग गया है। तो ऐसे बहुत सारे कुशन उठाए थे मैंने वहां से ढूंढ ढूंढ के। तो ये दो का सेट, ये देख सकते हैं आप, एक और है पीछे, है ना। और ये मैंने नेक्स्ट लिया है बहुत बड़ा सा वास मेरे लिविंग रूम के लिए, ये काफी महंगा है, मतलब इतना भी नहीं है कि अफोर्ड ना कर पाओ, क्योंकि मैंने बहुत महंगे महंगे भी देखे भाई, उतना क्या करना, क्योंकि मेरा मन क्या होता है डेकोरेशन में मैं चेंज ही करती रहती हूँ। आपने अगर पहले जो मेरे बहुत व्यूज आते थे तो उन्होंने तो मेरे लिविंग रूम में ऑर्गेनाइजेशन देखे ही होंगे, उसके बाद भी मैं बहुत सारे चेंज करती रहती हूँ, कभी ब्लू थीम होती है मेरी, कभी येलो होती है, कभी व्हाइट होती है, तो अभी करंटली लिविंग रूम की रेड है। तो ये देखिए इतना बड़ा बात है, इसमें मैंने सारे टाइप के डाल दिए, रेड थीम है तो ज़्यादा तो ये वाले लिए थे इस रूम के लिए, मैंने कहीं और से लिए हैं। और ये एक्स्ट्रा मेरे को काफ़ी ऑफर में मिल गए थे, इतने बड़े जो होंगे ये आपको आइकिया में 300-400 में मिलेगा पर पीस, 250-300 में, तो ये मेरे को 100 के करीब पड़ा है, इतना ऑफर लग गया था और वो भी अच्छी जगह से। ये एक ये है, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा वाइट कलर में भी था, बट मैंने ये वाला कलर इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इस पे था ऑफर, आधे रेट में मिल रहा था लगभग, क्योंकि ये भी महंगा रहता है वेलवेट वाला, तो ये भी उसी सेक्शन से ऑफर, नहीं ये उस सेक्शन से नहीं, ये नॉर्मली ऑफर चल रहे थे इसमें। और वाइट वाला मेरे को उस सेक्शन में मिल गया था जहाँ डिस्प्ले के पीसेस रहते हैं, पर उस पर हल्का सा दाग था, वो चला जाता, मैंने देखा कि थोड़ी देर में मैं जब वापस लेने गई तो किसी ने ले लिया हुआ था, वो हल्का सा ही दाग था, क्योंकि हाफ रेट में मिल जाए चीज़, क्योंकि इस कलर पे और एक डार्क सा ब्राउन कलर जैसे शेर की खाल या कुछ ऐसा, इससे भी डार्क कलर रहता है, वो कलर पे ऑफर लगा था, वाइट पे नहीं लगा था या ऑफ वाइट, क्योंकि वो तो सब लेंगे ना। तो एक ये होगा और एक में आपको स्टैंड नहीं है भाई आने वाला है, तो ये मैंने दो से तीन लिए हुए हैं, और अंदर है पॉट पूरी, क्या होती है जो भी होती है खुशबू वाली, कुछ टाइम तो बहुत खुशबू रहती है इसमें, मतलब आराम से अभी मेरे को 3-4 महीने तो हो गए इसको खोले हुए, तो 3-4 या 5-6 महीने तो बहुत खुशबू रहती है, उससे ज़्यादा भी रहती होगी, बट इसकी मेरे को एक ही प्रॉब्लम लगती है क्लीन करने में, जैसे डस्ट हो जिन एरियाज में ज़्यादा, तो क्लीन कैसे करोगे इसको, ये हुनर का किसी टॉय का था, तो बच्चे तो कहीं डाल ही देते हैं। तो ये भी मैंने दो पीस लिए हैं पिंक वाले पॉट, दो से तीन पीसेस लिए हैं, ये भी सस्ते होते हैं 200-300 के, और पॉट पूरी होती है 150-200 की, प्राइस सारे स्क्रीन पे आएंगे, और भी क्वेश्चन है मेरे पास वो मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉपिंग।